बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ हाइड्रो टेस्ट की वीडियो, ज़बरदस्त जो हम हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हैं स्पूल्स का। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने कंप्रेसर को स्टार्ट कर लिया, अब हमने करनी है इन स्पूल्स की इंटरनल क्लीनिंग। सबसे पहला जो होल्ड पॉइंट है ना वो है इंटरनल क्लीनिंग, कि आपके स्पूल जो हैं वो क्लीन होने चाहिए ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये जनाब मैं आपको दिखा दूँ, ये हैं हमारे स्पूल सारे, ये देखें इनको हमने जनाब वहाँ तक जोड़ा हुआ है, साथ में 24 इंच के ये स्पूल हैं, ठीक है। ये 24 इंच के स्पूल हैं, ठीक है। इंटरनल क्लीनिंग हमने वहाँ से स्टार्ट की है ताकि इसको अच्छे तरीके से इंटरनल क्लीनिंग करके, ताकि इसमें किसी तरह का कोई कचरा वगैरह ना रहे, ठीक है। इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीनिंग करने के बाद फिर जनाब होनी है वाटर फिलिंग, ठीक है। ये पूरा हमने लूप बनाया है 2 इंच के स्पूल्स सारे, साथ में 24 इंच के स्पूल्स। उसके बाद जनाब ये यहाँ पे ये देखो, ठीक है जी। अब इंटरनल क्लीनिंग होगी, बाकी सारी हमने इंटरनल कर ली थी, ये जस्ट वीडियो बनाने के लिए हमने दोबारा फिर कंप्रेसर को स्टार्ट करके किया। बाकी जनाब आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। कंप्रेसर बंद करो जी, ओके डन। तो नाजरीन हाजरीन, आपको हाइड्रो टेस्टिंग फिलिंग के लिए ये एक अदद पंप चाहिए, ठीक है। फ्लशिंग के लिए आपको दिखा दिया कंप्रेसर, ठीक है, पंप चाहिए। उसके बाद आपको एक अदद मैनीफोल्ड चाहिए। मैनीफोल्ड अभी विदाउट गेजेस के है, तो जैसे गेजेस लगेंगी इसके ऊपर फिर भी आपको दिखाएंगे। अगर आपका सिस्टम बड़ा है, ठीक है, तो फिर आपको मिनिमम 2 गेजेस रिक्वायर हैं, उससे ज़्यादा आप 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। PSV आपको चाहिए 5%, ठीक है जी। 5% PSV आपका जितना हाइड्रो टेस्ट प्रेशर होगा उससे 5% आपकी PSV होनी चाहिए, और आपकी जो गेजेस हैं वो 30-80% होनी चाहिए राइस पर रामको स्टैंडर्ड। वैलिडिटी जो है गेज की वो जनाब 1 मंथ, आपको दिखाते हैं। गेज की जो वैलिडिटी है वो जनाब 1 मंथ होनी चाहिए, ठीक है, कैलिब्रेशन, ठीक है। और जो PSV है एज़ पर रामको स्टैंडर्ड वो 15 डेज की होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जैसे ही स्टार्ट होगा फिर आपको दिखाते हैं। फिलिंग के लिए आपको जो पानी है, जो आपने वाटर यूज़ करना है, वो भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, यानी कैलिब्रेटेड से मुराद का लेबोरेटरी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ऐवें ही उठा के इधर उधर से पानी कोई भी है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए और लेबोरेटरी से टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने करना है स्टार्ट, उसको फिलिंग के लिए वो यूज़ करना है। ऐवें इधर उधर वाला पानी जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये देखें इधर जनाब, ये होज लग रहा है, ठीक है। हमारे ये जो सीनियर कारीगर हैं हमारे शहजादे, ये जनाब इसको ये देखें रैपिंग टेप से लगा रहे हैं, यानी ये वो जो कहते हैं ना हाथी वाला जोड़, ये वो लग रहा है, यानी यहाँ ऊपर अगर हाथी का पैर भी आ गया तो यहाँ से लीकेज नहीं होगी, लेकिन पानी के बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये होज लग रहा है, फिर उसके बाद जनाब ये होज इधर जा रहा है, उसके बाद ये आपको बड़ा सा टैंक नज़र आ रहा है, इसके अंदर है पानी। जो पानी है वो भी हमारा ये पंपी है छोटी सी, ये वहाँ से निकालेगा, थोड़ा सा इधर होना भैया, अच्छा ये यहाँ से जनाब पानी निकालेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे फेंकेगा, जो हमारा उसमें फिलिंग पंप में जाएगा, तो फिर हमारी फिलिंग स्टार्ट होगी, ऐसा ही है ना जी। हाँ जी, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसीजर हाइड्रो टेस्ट का, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। ओपन होना चाहिए आपका वाल भी ना, पूरा
लो जी, हाइड्रो टेस्ट हमारा हो गया ख़त्म। अभी जनाब रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, हल्का हल्का करके रिलीज़ करना है, ज़्यादा भी रिलीज़ नहीं करना यकदम, कि गेज को मसला ना हो कोई। ठीक है, तो चेक कर लिया गया अच्छी तरह से, किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है, एक एक ज्वाइंट देख लिया, ठीक है, उसको वेरीफाई कर लिया। और बाकी आपके जितने भी स्टड बोल्ट्स हैं, गैसकेट जो हैं इसके अंदर, मेटालिक में टोटली मेटालिक यूज़ होनी है, स्पाइरल माउंट इसमें एस्बेस्टोस वगैरह वो यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है जी, वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखें तो गेज हमारी डाउन जा रही है, ठीक है, गेज जा रही है डाउन। साथ में ये सबूल था हमारा, इसके साथ ये हमने कनेक्ट किया यहाँ पे उसके साथ, ठीक है, बाकी ये सबूल हो गए और इधर से अब इसको डाउन साइड से रिलीज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ से रिलीज़ हो रहा, ठीक है जी। बाकी जनाब आपको पूरी डिटेल बता दी गई है, अगर कोई भी किसी तरह का को आपका कोई कमेंट हो तो लाजमी कमेंट में जनाब आप लोग लिखिएगा, पूछिएगा, तो जनाब हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, बाकी इसी के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक भी करना वीडियो को। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप चेक कर सकते हैं जब प्रेशर रिलीज़ हो गया तो गेज होगी 0-0, ठीक है, और गेज का मैंने पहले भी आपको बताया कि 30 डेज़ के लिए कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, और जो आपकी PSV है वो 15 डेज़ के लिए कैलिब्रेट होनी चाहिए, मैनीफोल्ड आपका 36 मंथ कैलिब्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारा था हाइड्रो टेस्ट। ठीक है जी, आपको पूरी तरह डिटेल से मैंने बताया, अगर कोई भी किसी तरह का कमेंट हो तो लाजमी बताइएगा। ठीक है जी।